शर्मा जी के लड़के को देखो कैसे MBBS करके आगे बढ़ गया है। पहले इंजीनियरिंग कर लो, फिर डिसाइड कर लेना जिंदगी में क्या करना है। सही है। आई एम श्योर आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी करियर एडवाइस अपने ताऊ जी, चाचा जी, पड़ोसी के दूर वाले मामा जी के बेटे से तो जरूर सुनी होगी, मास्टर से भी सुनी। भारत में जब भी बच्चे करियर कंफ्यूजन से जूझ रहे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द सभी लोग एक्सपर्ट करियर काउंसलर बन जाते हैं। Sadly, sharks, इंडिया में तो 93% स्कूल्स में प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग नहीं होती है। That's right. हमारे भारत करियर एस्पिरेशन रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक 77% स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 करियर की जानकारी है। और तो और सबसे अलार्मिंग स्टैट्स तो ये है कि 12वीं कक्षा के बाद 73% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं और कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हीं आंकड़ों को बदलने के लिए आए हम विद आई ड्रीम करियर। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण और मैं आया हूं बैंगलोर से। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आयुष बंसल और मैं आया हूं न्यू दिल्ली से। आई ड्रीम करियर एक करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 560 से भी ज्यादा करियर से अवेयरनेस और अवगत कराते हैं। यही नहीं, हम उनको कॉलेज में अप्लाई करना और उनको करेक्ट फाइनेंसिंग और स्कॉलरशिप दिलाने में भी मदद करते हैं। शार्क्स, लोगों का ये परसेप्शन है कि करियर गाइडेंस सिर्फ हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स में ही होता है, लेकिन आई ड्रीम करियर ने पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स, ट्राइबल स्कूल्स से लेके बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में करियर गाइडेंस प्राप्त कराने में सफल हुई है। हमने आज तक 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड की है और हमारा विजन है कि आने वाले 10 साल में हम हर एक स्टेट और हर एक बच्चे को सही करियर मार्गदर्शन दे पाए जिससे कि वो ऐसे करियर में जाए जहां उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और क्या पता उनमें से कोई शार्क ही बन जाए। तो शार्क्स, हमारा आज आस्क है 1.10 करोड़ एट 1.28% इक्विटी ऑफ आर कंपनी। वैल्यूएशन खुद ही बता दो। 85 करोड़। वेलकम टू शार्क टैंक आयुष, स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, मेरे डैड ने डिसाइड किया कि CA करना चाहिए हमारे बच्चे को। तो उस टाइम पे पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, फिर जब उस कोर्स में जाते हो तब रियलाइज करते हैं कि तुम्हारी कॉलिंग कहीं और है। जैसे मैंने CA करी है लेकिन मेरी कॉलिंग सेल्स मार्केटिंग में ज्यादा थी, तो मैं उसकी तरफ गया। बिल्कुल अमन, एंड मतलब और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और ज्यादा होगी। मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था बैंगलोर में और हमारे घर में एक टिफिन डिलीवरी बॉय आता था जो कि उड़ीसा से बालासोर से था। वो 19 ईयर्स का था। मैं एक दिन कॉलेज जब जा रहा था तो देखा वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। एंड जब मैंने प्रोब किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो 9वीं क्लास से ड्रॉप आउट कर चुका था। एंड आई सेड कि आप आगे अब क्या करना चाहते हो? बोला मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता क्या करूँ। फिर कॉलेज से आने के बाद मैंने बोला ऐसी कोई प्लेटफॉर्म होगी या कोई करियर काउंसलर होंगे जो अब इसको गाइड कर सकते हैं कि क्या कर सकता है। बट दैट टाइम आई रियलाइज कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2006-07 की, और मैंने अपने खुद से रिसर्च करके पता किया कि NIOS में इसकी एडमिशन करा सकते हैं। कोई भी कभी भी ओपन स्कूलिंग में बोर्ड में क्लास 10th 12th कंप्लीट कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उसको एनरोलमेंट कराया और मैं ग्रेजुएशन करके निकल गया। बट उससे मैं वापस 15 में मिला बैंगलोर में। एंड क्या नाम था उसका? कमलकांत जेना। अच्छा जी। एंड तब रियलाइज हुआ कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अराउंड 60,000 की नौकरी कर रहा है। 60,000 की। और उसका छोटा भाई मारुति सुजुकी शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा था। तो इट वॉज जस्ट नॉट हिम गेटिंग गाइडेंस बट उसने वो यूज करके बाकी लोगों को भी गाइड किया। मुझे लगा कि प्रॉफिट विद पर्पस ऑर्गेनाइजेशन हमें चालू करना, और ये मैंने अपने जिंदगी का मिशन बनाया कि ये प्रॉब्लम को मुझे लार्ज स्केल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए सॉल्व करना। देना जी की तो जिंदगी आपने स्कूल से बदली और आपका सुझाव यहाँ पे ज्यादातर 12वीं से लेकर के यूनिवर्सिटी के बीच में, तो आपका फोकस किस स्टूडेंट के लिए है? हमने एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्राइज बनाने की कोशिश की जहाँ B2C मिड और हाई इनकम फैमिली में ये 4,000, 22,000 और 1.8 लाख रुपीस स्टडी अब्रॉड तक की प्रोग्राम सेल करते हैं जो मिड और हाई इनकम फैमिलीज के लिए। वहीं हम B2B में जब काम करते हैं वहाँ पे हम कॉर्पोरेट CSR के साथ टाई अप करते हैं लो इनकम, और गवर्नमेंट स्कूल्स में यही सर्विसेज, यही प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और आज के दिन में जो 10 लाख आपके पास टोटल आपने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है या गाइड किया है, उनमें से कितने B2B
प्रोग्राम में है और कितने B2C प्रोग्राम में है? इस साल हमारा जो रेशियो है वो 60% B2B है और 40% B2C है। 60% में 50% गवर्नमेंट स्कूल्स कॉर्पोरेट CSR के थ्रू है, 10% हमारा प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप के थ्रू है और बाकी 40% B2C विच इज मिड एंड हाई। आपने जो कमल का एग्जाम्पल लिया उसमें आपने स्पॉन्सर किया था एडुकेशन या वो ओपन स्कूल ढूंढना वाज द बिगेस्ट चैलेंज? बोथ। अब जैसे रुचि है यू नो जो यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत कन्वेंशनल पाथवे से आते हैं। हमने इनको 9th क्लास से गाइड किया कौन सा करियर में जाना है। ये बीकॉम कर रही है अभी, इनको 15 लाख की स्कॉलरशिप भी दिलवाई। ठीक है, आप डेमो देंगे अपने? हाँ, मैं एक केस यहाँ पे एक सिनेरियो ले रहा हूँ रितेश का, जो कि उड़ीसा से आते हैं और वो साइंस PCM उन्होंने क्लास 11th में ले रखी थी। आपको कैसे पता? आपने साइंस PCM लिया था सही में? हाँ, तो आप, अच्छा ये आपका गेस्ट था। उड़ीसा इज क्लोज बिकॉज ऑफ कमल कांत, सो I always prefer that. But अब ये कन्फ्यूज थे कि मुझे साइंस PCM में और क्या करियर ऑप्शन मिल सकती है। उन्होंने गूगल में सर्च किया और हमारा आर्टिकल मिला, जिससे वो हमारे वेबसाइट पे आए और उन्होंने एक फ्री साइनअप किया। फ्री साइनअप के दौरान ऑनबोर्डिंग में हमने उन्हें सारे क्वेश्चन पूछे, कौन से क्लास में, उनकी स्ट्रीम क्या है, उनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और ये अब उनको एक पर्सनलाइज करियर डैशबोर्ड दे रहे हैं। अब रितेश को थोड़ा डिज़ाइन और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था, तो उसने डिज़ाइन सर्च किया और डिज़ाइन से उसको पता चला कि डिज़ाइन में ही इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनर उसने क्लिक करके देखा कि डिज़ाइन करियर के बारे में मैं जानूं प्रोडक्ट डिज़ाइनर के बारे में। उसके बाद अब रितेश को ये जानना था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो डिज़ाइन में आ सकते हैं। सो हमने 25,000 से ज़्यादा कॉलेज की डायरेक्टरी, 1,500 से ज़्यादा एग्जाम्स और 1,600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप हमने प्लेटफॉर्म पे दिए। और मोनेटाइजेशन कैसे होगा इसमें? रितेश हमारे प्रोग्राम सेक्शन में जाता है, जहाँ पे उसको ये दिखता है कि एक प्रोग्राम है 4,000 रुपये का, जिसमें कि उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक 16 पेज की करियर रिपोर्ट और एक काउंसलर से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकता है। इस प्रोग्राम पे इनरोल करता है और उसके बाद वो इमीडिएटली साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चालू करता है, जहाँ हम एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट 16 फैक्टर्स पे बच्चे को असेसमेंट करते हैं। ये टेस्ट में 165 क्वेश्चन के बाद उसको एक 16 पेज की रिपोर्ट मिलती है। इंटरनेट पे जाके आप असेसमेंट टेस्ट डालिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट डालिए, इतने सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे ना कि उसकी कोई गिनती नहीं। ये उम्र में बच्चे इतने सेल्फ मोटिवेटेड जो होते हैं, अपने आप ही खोज लेते हैं, वो आपके पास आते कैसे हैं? आई ड्रीम करियर मैंने आज तक नहीं सुना। मैं D2C सिर्फ की बात कर रहा हूँ, B2B को आप कर लोगे स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके? अभी हमारा B2C में 90% जो ट्रैफिक है, अराउंड 5 लाख बच्चे आते हैं अभी हमारे वेबसाइट पे पर मंथ, वो सारा का सारा 90% ऑर्गेनिक ड्रिवन। हमने एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट बनाई है 299 रुपीज, जहाँ बच्चे 299 रुपीज देके 30 मिनट की काउंसलिंग इमीडिएटली ले सकते। और उसके बाद आपका टेलीसेल्स का बनता है, टेलीसेल्स कॉल करके हम लोग उनको अपग्रेड करते हैं। गॉट इट, यही बात पे पहुंच रहा था, जरा फनल को कंप्लीट कर दीजिए। आपके विजिटर आपने कहा 4.5-5 लाख है महीने के, यस, उसमें से 299 वाला कोर्स कितने लोग लेते हैं? और वो जो लेते हैं कोर्स, उससे 4,000 वाला कोर्स कितने लोग लेते हैं, उसका कन्वर्जन क्या है? सो करीबन 4.5 से 5 लाख विजिटर बेस है, उसमें से हमारे पास करीबन 18,000 विजिटर्स हमारे फ्री साइन अप करते हैं, मंथली बता रहा हूँ मैं। और उन 18,000 में से करीबन 450 से 500 बच्चे हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम लेते हैं। 299, yes. उसके बाद वो 500 में से 4,000 वाला कितना लेते? करीबन 25%, 100 से 150, जहाँ ARPU हमारा करीबन 14,000। तो अभी क्या प्लान है, मतलब ग्रोथ कैसा चल रहा है? 10 साल हो गए आपको ये करते हुए, राइट? सो लास्ट ईयर हमने 2.2 करोड़ सेल्स की थी, लास्ट ईयर हमने 3.7 करोड़ सेल्स की, इस साल हम ऑलरेडी अभी रेवेन्यू रन रेट ऑफ 8.4 करोड़ पे हैं और हमारा एस्टिमेशन है हम अराउंड 14.5 करोड़ पे क्लोज करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू। पर उसके बाद इवेंचुअली एंड गेम क्या है, आउटकम? सो सारे एडटेक्स, अगर जिन्होंने भी काम किया, एक बबल आया, एडटेक्स आए भी और फटे भी। हमने जो लास्ट राउंड जो रेज किया वो उस समय किया जब एडटेक में यू नो अनुपम ने एक लास्ट सीजन में एक वर्ड यूज की थी, शमशान घाट बना हुआ, राइट? हमने उस समय फंड रेज किया और इम्पैक्ट VC से रेज की। थोड़ा फंडिंग के बारे में बता दीजिए। फंडिंग हमने अभी तक टोटल 5 राउंड रेज किए हैं और 13.5 करोड़ रेज किया है, जिसमें कि एक्चुअली 10 करोड़ हमारा लास्ट राउंड ही था, जो कि हमारा सबसे बड़ा राउंड था और वो उस समय हमने किया जो मैं पहले बता रहा था कि जब कोई भी एटेक रेज नहीं था। अनुपम रॉन्ग, यस। क्या वैल्यूएशन था? 36.66 करोड़ वैल्यूएशन पे था ये। अभी आपका बर्न हो रहा है? यस, अभी हम बर्न कर रहे हैं। हमने पहले क्वार्टर में हमारा मंथली बर्न रेट अराउंड 40 लाख का था,
सेकेंड क्वार्टर में हमारा बर्न रेट 25 लाख पे आया है, जो करंट अभी क्वार्टर चल रहा है इस पे हमारा मंथली बर्न रेट 10 लाख पे आ जाएगा। अगर आप B2C बिजनेस को कल बंद कर दें तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा सिर्फ B2B के साथ? B2B तो हमारा हमेशा से प्रॉफिटेबल, तो उसको 5x नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट है, क्या प्रॉब्लम क्या है? 5x ग्रो हो सकता है वो, और इस साल हमने B2B में एक्चुअली 93 लाख से 2.5 करोड़ से दिस ईयर वी आर क्लोजिंग एट 7 करोड़ एक्चुअली। तो अब B2C में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? इन्वेस्टर प्रेशर है क्या B2C बढ़ाने के लिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, इन्वेस्टर प्रेशर तो है ही, मेरा अंदाजा है आपका 60-70% तो डाइल्यूट हो चुका है। 60% डाइल्यूट हो चुका है, 40% बचा है। 40% आप दोनों के पास बचा हो? यस बॉस, आपका जो बिजनेस है ना, एडटेक का कम है, CSR का ज्यादा है। आपके पास ऑलरेडी इम्पैक्ट इन्वेस्टर है और काफी ऐसी संस्था है जिससे आपने सुना होगा, हम भी जुड़े हैं उनके साथ। उदयन केयर के बारे में सुना है आपने? उदयन केयर उनके साथ काम करते हैं। शालिनीज जो हैं लड़कियां, उनको नॉट ओनली पढ़ाई की सपोर्ट करते हैं बट फॉर मेनी इयर्स एक मेंटोर लगा देते हैं उनके साथ, और उस तरह से जो करियर गाइडेंस मिलती है वो गाइडेंस इनवैल्यूएबल है। एक सेशन में वो हो ही नहीं सकता, और सही तरीका करने का वही है मेरे हिसाब से। इस वजह से मैं आज आउट हूँ, गुड लक। चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप यंग एडल्ट्स आ रहे हैं हमारी ऑफिस में। 10% हमारी यूजर बेस प्रोफेशनल से आते हैं, exactly. जिनको मना करना पड़ता है। नहीं क्यों मना कर रहे हो? नहीं उसके लिए हमने अभी प्रोग्राम और आउटकम क्लियर कर लेना, बट आपको मैं बता रहा हूँ जो शुरू के इंटर्नशिप पे आते हैं ना, तो हम उनको सारे डिविजन में डालते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लो आपको अच्छा क्या लगता है, एक्सपोजर मिलता है, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आपको पता है एक एक दो दो साल पाँच पाँच साल का एक्सपीरियंस होने के बाद लोग अपना करियर शिफ्ट मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप यंग प्रोफेशनल्स अप टू द एज ऑफ 30 में करियर गाइडेंस दे सकते हो, तो मैं आपको एक सिंपल ऑफर देता हूँ, 15 लाख रुपीज इन इक्विटी, बिकॉज मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ एट 50 करोड़ वैल्यूएशन, एंड बाकी डेट 95 लाख एट 10% इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स। ओके थैंक्स अमन, थैंक्स फॉर द ऑफर। सी देखिए आपका ना सोशल इम्पैक्ट आपका पर्पस था जिससे आप शुरू हुए थे, पर अब आप प्रॉब्लम वो था, सॉल्यूशन से अब आप डीप नहीं गए उस सॉल्यूशन में, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। बिकॉज हमारे पिछले टैंक में कंपनी आई थी हक दर्शक, दे हैड अ वेरी सिमिलर पर्पस, प्रॉब्लम बड़ी थी पर उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी TG के साथ निकाल के सस्टेनेबल बनाया और वो लगे हुए। सो आई डू थिंक कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, पर उसका सॉल्यूशन बाय बिल्डिंग ये 40% 60% से नहीं निकलेगा, आपको उसको वहीं सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी से, अदरवाइज फ्यू इयर्स लेटर यू विल मे रिपेंट कि आपने करने क्या गए थे और क्या कर रहे हैं। तो मैं इससे अभी बाहर हूँ, जैसे करियर काउंसलिंग की जरूरत है ना जो आप दुनिया को दे रहे हैं, आपको भी एक काउंसलिंग की जरूरत हैवी काउंसलिंग विच विल मे लास्ट अ फ्यू आवर्स, बट द एंड ऑफ इट यू शुड डिसाइड दिस और दैट, and then you can align all your VCs, and if you were to do that I'll be very happy to partner, but you have to decide that today. I am on. I 100% agree with Piyush right now. I think kafi confusing hai aapka future, and aap jo bol rahe hain ki बैड मार्केट में एडटेक करके रेज किया, पर मैं वो गेम नहीं खेल रहा हूँ, पर आप वो गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप 36 करोड़ से अब 86 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं। तो आई थिंक अभी आई एम आउट, बेस्ट ऑफ लक। एजुकेशन बिजनेस में निवेश करो तो पर्पस एंड प्रॉफिट कैन गो टुगेदर। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि आपका B2C बिजनेस लॉस मेकिंग है, B2B बिजनेस डे वन से प्रॉफिटेबल है और आगे भी प्रॉफिटेबल रहेगा, और मुझे वो बिजनेस आपका काफी पसंद है। भारत के फ्यूचर में मुझे लगता है, बहुत बिलीफ है मुझे कि देश में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, स्कूल्स में काउंसलिंग बहुत जल्दी मैंडेटरी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उस कारण से मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, मैं आपको पूरा 1.1 करोड़ एनेबल कराऊंगा निवेश, उसके अंदर में दो हिस्सों में इसे बांटा जाएगा, 60 लाख आपको इक्विटी में मिलेगी 60 करोड़ की वैल्यूएशन में, यानी कि उसका 1% मुझे मिलेगा। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं आपको 50 लाख रुपये डेट में दूं, इंटरेस्ट रेट होगा 8% 3 साल के लिए, और इस पे मेरा एक कंडीशन है, अगर आप उड़ीसा में जिस जगह से मैं आता हूँ रायगढ़ में वहाँ पे अगर एनेबल कराएंगे तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो मैं माफ करूँगा। तो ये मेरा आपके लिए रितेश भाई, आपने 60 करोड़ की वैल्यूएशन दिया है, वो जो मेरी थी उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ज्यादा करना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, मैं इसमें 15 लाख ऐड कर सकता हूँ ना, आप कितना दे रहे हो, तो आप रिवाइज करके ऑफर दे दो, मेरे 15 लाख ऐड करो।
इक्विटी में? हाँ ठीक है, तो मेरे साथ अभी अमन भी आ रहे हैं। वाओ तो वाओ। तो निवेश में 60 लाख हम लोग टोटल इक्विटी करेंगे, जिसमें 15 लाख अमन का होगा, 45 लाख मेरा होगा, हमें जुड़ करके 1% का ओनरशिप मिलेगा। डेट 50 लाख रुपए मैं आपको एनेबल करूंगा, 8% का इंटरेस्ट 3 साल के लिए, पहले साल का इंटरेस्ट माफ अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की मदद करें। अगर आप वो यंग प्रोफेशनल्स की तरफ भी जाओगे ना, वहां पे मेरे को ज्यादा स्ट्रेस लगता है आजकल जब मैं देखता हूँ इंटरव्यू, तो मेरी तरफ से उस पे जाना। एक बात कहूं, व्हेन यू डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीबॉडी अराउंड यू हैज अ व्यू, तो सून फॉर्म अ व्यू। ये दोनों उल्टा बोल रहे हैं। कमाल के लोग हैं। आपने वो सुना है, आप अंगूर खाते हो? हाँ। हमने खट्टे सुने हैं, खट्टे वाले थोड़े होते हैं। हाँ? नहीं। चलिए बहुत अच्छी ऑफर है, जल्दी डिसाइड कीजिए। वी एक्सेप्ट योर ऑफर अमन एंड नितेश। थैंक यू सर, वेरी नाइस।